हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कभी ना कभी लॉ से मतलब पड़ता है। अब हर किसी का लॉ से इतना भी नहीं मतलब पड़ता कि रोज कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, लेकिन जो हमारे जो जो हम देखते हैं, कोई बिजनेसमैन हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो जो बिजनेस करते हैं, या कोई भी जिनका चेक से रिलेटेड मामला पड़ता है, तो कभी ना कभी हमारा चेक बाउंस हो जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं जब हमारा चेक बाउंस हो जाए? तो आप इसके लिए कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हो। उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा पहले वो सुन लेते हैं। पहले आपको जैसे आज उसने हमें चेक दिया है, ठीक है, इसके लिए 3 महीने के लिए वैलिड होता है वो चेक, ठीक है। मान लो वो चेक हमारा बाउंस हो गया, हम गए बैंक, बैंक ने बताया कि इसमें या तो अनसफिशियंट फंड है, या आपका जो जिसने ये चेक दिया हमें उसकी सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। पहला रीजन अनसफिशियंट फंड है। दूसरा कि मैच नहीं हो रहे साइन वगैरह। या तीसरा कि जो शब्द है और जो लिखे हुए हैं वर्ड्स हैं ये मैच नहीं हो रहे। कोई भी रीजन है जिसके कारण से आपका चेक बाउंस हो गया है, तो आप किसी एडवोकेट की सहायता से लीगल नोटिस उनको पहले पहुंचाइएगा, ठीक है। 15 दिन का फिर टाइम आप उनको देना होगा। आप ये लीगल नोटिस हमारे थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, ये चेक बाउंस केसेज में, ठीक है। चेक बाउंस केसेज में हमने उनको पहुंचा दिया लीगल नोटिस। लीगल नोटिस के 15 दिन बाद आप केस फाइल कर सकते हैं। अब जैसे कि चेक देने वाला ए था, बी ने चेक लिया, जिसका चेक बाउंस हुआ वो बी था, ए ने दिया है। अब ये केस कहाँ फाइल होगा? जहाँ ए का बैंक शाखा होगी, जहाँ ए की बैंक शाखा होगी वहां पे जो उसके ज्यूरिडिक्शन में जो मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, वहीं पे वो केस फाइल होगा। जैसे कि मान लो ए रहने वाला है स्पोडेट, पानीपत का है, और उसका जो बैंक है, ठीक है, यही मान लो पीएनबी तहसील बैंक है, पीएनबी तहसील का उसका बैंक है पानीपत का। अब इसकी कोर्ट, इसकी जो ज्यूरिडिक्शन होगी वो उसके संबंधित जो ज्यूरिडिक्शन जो कोर्ट है, जैसे कि हर एक तहसील की, हर एक जगह की, जैसे पानीपत में ही या कुरुक्षेत्र में कहीं भी, हर जगह, एक शहर में भी काफी कोर्ट होती है इनकी भी, ठीक है। जैसे इसकी भी ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से नेगोशिएबल ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये होता है, ठीक है, ये चेक बाउंस केसेज के लिए, तो इनकी भी कोर्ट होती है, ठीक है। तो उसकी ज्यूरिडिक्शन जहां पे जाएगी वहां पे ये केस फाइल होगा। आप एडवोकेट की सहायता से केस फाइल करवा सकते हैं, और उनको 15 दिन के बाद लीगल नोटिस के आप उनको उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अब मन में ये आता है कि क्या ये जो केसेज होते हैं ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है? ये बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को किसी ने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, मुझे चेक रिटर्न मेमो देगा, ठीक है। वो मैं कोर्ट में लेके जाऊंगी, दिखाऊंगी कि मेरा चेक बाउंस हुआ, ये मेरा एक सबूत रहेगा, ठीक है। अब ये सबूत है, अब ये जो चेक कैंसिल हुआ है, ठीक है, मैंने इसके उसमें फाइल किया केस, ठीक है। मैंने फाइल किया, बी मैं हूँ, ए के खिलाफ मैंने केस फाइल किया कि देखो इन्होंने मेरे को गलती या तो किसी भी तरीके से सफिशियंट फंड था, इनका इंटेंशनल था कि भाई चेक बाउंस हो जाए और उसको पैसे ना मिले, या इन्होंने गलत सिग्नेचर किए हैं, या शब्द और नंबर जो भी है इन्होंने गलत मेंशन किया है, कुछ भी करके इन्होंने इंटेंशनली चेक बाउंस कर चेक चाहे कि इनको चेक के थ्रू पैसा ना मिले, कुछ कुल मिला के इनकी इंटेंशनल मैलाफाइड इंटेंशन थी, ठीक है, एक ही मैलाफाइड इंटेंशन थी। अब अब कोर्ट क्या करेगा, जितना का वैल्यू है उसका 20-30%, जो चेक का जो वैल्यू है मान लो 1 लाख का है, उसका 20-30% मुझे शुरू में ही दिलवा देगा, ठीक है। मान लो यदि केस मैं हूँ जीत जाती हूँ तो मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा बाद में जो मेरे बाकी बचा है। यदि मैं केस हार जाती हूँ तो मुझे ब्याज के साथ जो मुझे शुरू में पैसा मिला था 20-30%, मुझे उसको ए को देना पड़ेगा, ठीक है। जीत जाते तो मुझे सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है, जो 20-30% के बाद भी जो बचता था पैसा वो मिल जाएगा, ठीक है। और यदि मैं हारती हूँ तो मुझे वो बैक करना पड़ेगा विद ब्याज सहित। तो इस तरीके से लो है, ठीक है। और ये केस क्या कहाँ फाइल होता है मैंने आपको ये भी बता दिया है, और कितने दिन बाद आप फाइल कर सकते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है। पहले तो कहाँ ये फाइल हो सकता है, कितने दिनों बाद फाइल हो सकता है, और ये केस ये जो होते हैं ये ऑफेंस बेलेबल है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैंने ये बता दिया किन किन कारणों से ये कैंसिल हो जाता है। फिफ्थ मैंने आपको बता दिया कि जब आप बैंक में जाओगे, बैंक आपको क्या देता है, चेक रिटर्न मेमो, वो ही आपका एविडेंस बनता है कि भाई मेरा चेक बाउंस हुआ है। तो
तो इस तरीके से आप अपना केस फाइल कर सकते हो। चेक बाउंस से रिलेटेड केस फाइल करवाने के लिए या ड्राफ्ट करवाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपना खुद केस भी लड़ सकते हैं। सिर्फ जो हमें वकील की जो जरूरत होती है सिर्फ ड्राफ्टिंग, अच्छी ड्राफ्टिंग के लिए ही जरूरत होती है। तो आप हमसे ड्राफ्ट करवा सकते हो, अपना खुद केस भी फाइल कर सकते हो और साथ में आप लीगल नोटिस पहुंचाना चाहे तो हमारे थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो ये था चेक बाउंस से रिलेटेड कुछ नॉलेज आप सभी के लिए। और यदि आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए चेक बाउंस से रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लीगल एडवाइस के लिए केस ड्राफ्ट करवाने के लिए, केस फाइल करवाने के लिए और चेक बाउंस से संबंधित और भी जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि चेक बाउंस से रिलेटेड आपको ये भी जानना हो कि भाई कुछ और भी, मतलब आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी काम हो चेक बाउंस से रिलेटेड, तो वो भी आप हमसे करवा सकते हैं। तो उसकी कुछ चार्जेबल सर्विस होगी मिनिमम, वो आपको बता दी जाएगी फ़ोन नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे। और चैनल को लाइक कमेंट तो करिए हीगा ये इस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब तो करिए हीगा। साथ ही साथ आप हमारे अदर चैनल जो कि आपको अबाउट सेक्शन से पहले मिल जाएंगे, ठीक है, कम्युनिटी टैब में दिवांशी व्लॉग, दिवांशी लॉ एंड मीडिया फर्म के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ के साथ हमारे जो दिवांशी के नाम से DEEVEEANSHI सोशल मीडिया पे हमारे अकाउंट हैं, FB, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और अदर अकाउंट हैं, सबको लाइक सब्सक्राइब फॉलो तो करिए हीगा ताकि एक हमारा आपके साथ प्यार भरा रिश्ता बना रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ आप जो भी हमारे अदर सोशल मीडिया उनको फॉलो करिएगा और कोई एडवाइस देनी हो आप हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, बाय।